नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्री बढ़िया दैत में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूँ आप सभी किसान भाइयों के लिए आलू के बारे में दोस्तों जानकारी लेकर। आज दोस्तों मेरे ख्याति आलू की खुदाई चल रही है और ये मिनी स्प्रिंकलर से सिंचाई होने वाला आलू है। देखो ये आलू, और अभी आसपास किसी की खुदाई नहीं लगी है, किसी की भी एक भी कहीं मशीन एक आध किसी की हमारे जैसे तरीके से लोगों ने लगा दी हो। देखो ये थोड़ी मिट्टी तो आ रही है आलू पर खोद खोद के डाल देते हैं, अपना बढ़िया चमक आ जाती है पहले से। देखो ये सर चल रही है काम, ये है ख्याति नया बीज है दोस्तों, बढ़िया एकदम चकाचक। देखो आलू कितना निकल रहा है, उसमें थोड़ा सा दबा रही है नीचे तो कम दिख रहा है। ये मिनी स्प्रिंकलर में दोस्तों कहीं ज्यादा कहीं कम आलू का हो जाता है, देखो कहीं छोटा निकलेगा कहीं बड़ा, क्योंकि पानी फुहारे से लगता है ना ऊपर से, तो थोड़ा सा अंतर आ जाता है। ये देखो थोड़ा गीले है इस वजह से ये भर जाता है। बाकी दोस्तों पैदावार जो मेरा मेम्फिस खुदा है मेरा लास्ट ईयर से, उसमें पैदावार कम निकली है 10 कट्टे के बीघे, ठीक है ना, मतलब पूरा पूरा भर गया वो, उसका रेशियो आ गया। मैंने कि उसके बारे में बता दूं, उसकी पैदावार निकली है लास्ट ईयर से जितना आलू लास्ट ईयर निकला था उससे एक बीघे में 10 कट्टे कम, 9 कट्टे 9.5 कट्टे का एवरेज आया कम। तो अब ये ख्याति गुजरा है, अब देखो यहाँ ये तो भाई मिनी स्प्रिंकलर से इनकी सिंचाई होती है, थोड़ा सा पद्धति अलग है, तो हो सकता है कि इसमें एवरेज पिछले साल के बराबर आ जाए, पर अब भरे जाएंगे तो मालूम पड़ेगी, फिर मैं आपको बताऊंगा कितने कट्टे लास्ट ईयर भरे गए थे। भैया पीटीओ बंद कर लो यार, देखो खोद के डाल चम, हल्की सी मिट्टी तो दोस्तों आ रही है, पर अब क्या करोगे, काम हो जाए फिर आप सभी किसान भाइयों को अपडेट भी देनी। उधर सूर्या खोदेगा मेरा भी, तो गुजरात वाला सिस्टम हमने भी अपना लिया, खोद खोद के डाल दो और बढ़िया अपनी व्यवस्था बन जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। पप्पन सेठ है, बहुत पिछले साल इसमें 68 का एवरेज आया था, अब इस साल देखो इस साल नहीं इतना तो नहीं, पिछले साल के बराबर तो नहीं आएगा। अब कहां जाओगे, उधर हो गया पेपर पूरा, अब तुम्हें आलू दिखाऊं, देखो कैसा आ रहा है। ए ऊंची करो ऊंची, अब चमक आती जा रही है एकदम, छटाई होगी तब और आ जाएगी चमक, फिर तेजी है सब चमकी है, बढ़िया आराम से डालियो ले लो। ये मिट्टी कुछ तो है, सब ने खवा लगेगी सब छूट जाएगी, मिट्टी दोस्तों देखते रहेंगे तो कभी बारिश की क्या पता है कब तक। ये ख्याति है दोस्तों, देखो कितना शानदार है, खूब निकलता है ऐसे कम पैदावार वाले सिस्टम में भी, और सही पैदावार निकल रही है मेरे को तो। अब भाई ठीक लग रही है, अब कुल मिला के मेहनत की है इतनी तो, बाकी आस पास तुम पूरे एरिया में देख लो कोई भी मशीन कहीं चलने की कोई वो नहीं है आहट, और जे है कि हम तो भैया खुदवा रहे हैं। बाकी और सभी किसान भाइयों से मैं कह रहा हूँ कि अपना देखो जैसे ही मिट्टी इट्टी छूटने लगे और अपना काम शुरू करवाओ, अपनी खुदाई शुरू करवाओ, ठीक है ना, अब झंझट में नहीं रहो, क्योंकि देखो मौसम है इसका कुछ पता नहीं है, नेट बिल्कुल नहीं बता रहा था तो बारिश हो गई, ठीक है ना। ये दोस्तों स्थिति, सूर्या दिखाऊंगा अभी, लोग कहेंगे शर्मा जी अपने ही अपने वीडियो डाल ले, भैया किसी की खुदाई नहीं लगी है अभी, बहुत ना के बराबर लोगों की खुदाई लगी है, जिस दिन लगने लगेंगी उस दिन सबकी अपडेट देने लगूंगा, पर मैं अपनी पैदावार की अपडेट दे रहा हूँ। पिछले साल से 10 कट्टे का बीघा कम निकला है मेरा मेम्फिस आलू, जबकि मेम्फिस इतनी ज़्यादा पैदावार देता है और कम समय में तैयार सा हो जाता है। अब ख्याति में भी मुझे कम से कम इसमें लास्ट ईयर से 10 कट्टे का लॉस जाएगा इसमें भी, और हो सकता है बराबर निकले, आवे प्रभु से तो यही कामना करेंगे कि बराबर निकले। ये देखो
ये है स्थिति, क्या थी कि सूर्य दिखाऊंगा आप लोग। ये फुहारे से सिंचाई होती है दोस्तों, इसमें कोई भरे भरे नहीं कटते, और फिर भी तब भी चलो मिट्टी छोड़े दे रहे हैं, पर बाकी क्वालिटी के आप देखो कितना यहाँ कितना हल्का है आलू, और थोड़ा सा आगे चलोगे तो आलू ही आलू मिलेगा आपको। तो इसमें ये रहता है थोड़ा, कभी सिंचाई चल रही है और कभी उस दिन हवा ज़्यादा तेज चल रही है, तो उस वो सिंचाई थोड़ी सी कम सी रह जाती है, ठीक है। बाकी आप आंकड़ा लगाना, और मेरे हिसाब से 60 कट्टे का तो निकलाना चाहिए, 55-60 के बीच में, बाकी आप सभी लगाना आंकलन क्या रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। इधर देखो चमक है, उसमें खोद खोद के डाल दिए इसलिए। अब तो दबाव में आ गई पप्पन सेठ लेबर, तुम रोटी पे खल लगे रहो, पप्पन खाना 11 बजे भूख लगी आई तुम्हें, 8 बज रहे, अच्छा देखो खाएंगे यहाँ आलू बहुत है, ये फिर CPRI के खोदेंगे दोस्तों, नए बीज की बात अलग है, देखो सुनो खूब निकलता है ये देखो। मैं नहीं खा रहा, मैं तो पेट भर रहा है, तुम ये खा ले हैं अब सुइया आए, कल से खोदेंगे तुम्हारे, कल से खोदेंगे आलू। अच्छा क्या खा रहे हो पप्पन सेठ? दाल रोटी। पेड़ा पेड़ा है, है। पप्पन ने खूब मदद करवा दी इन बातों में, क्या है यह है दोस्तों स्थिति। बाकी ये है मंडी की क्या अपडेट, भाव भाव क्या, क्यों भाव भाव क्या चल रहे हैं मंडियों में? नहीं लिए कोई बात नहीं, नहीं लिए तो। और बहुत किसानों से दोस्तों बात हो रही है, 37-97 लोगों से बात हुई, लोग कह रहे हैं कि शर्मा जी पिछले साल से किसी का 15 कट्टे कम, किसी का 10 कट्टे का कम बीघा निकल रहा है। CPRI वाले जिन लोगों ने आलू किए थे उनमें भी क्या कहते हैं नग कम निकल रहा है, मतलब मोटा आलू है पर उसमें वो नहीं बना ट्यूबर। मेम्फिस में भी इसलिए कम पैदावार आई है क्यों पप्पन? उसके नग के चक्कर में ना। ये स्थिति रही है। और बताइए सभी लोग कमेंट करके दोस्तों, जरूर बताना आप लोगों को कैसा आलू लगाइए, ठीक है। कल और खुदाएंगे, कल शुरुआत और हमारे होंगी घर घर की, उसमें दिखाएंगे उसमें आपको कैसा निकल रहा है आलू, बाकी अभी फिलहाल कोई शुरुआत नहीं हुई। जो ठीक ठाक बढ़िया जो लोग पैदा करते हैं आलू, जो ज़्यादा आलू पैदा करते हैं उनकी दोस्तों किसी की शुरुआत नहीं हुई है, सही है दोस्तों। धन्यवाद, कैसा लगा वीडियो शेयर जरूर करना।